हे गाइस, वेलकम टू अकरम सलमानी ब्लॉग। और मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं अब जा रहा हूँ कश्मीर विस्तारा एयरलाइन। और थोड़े ही समय में हम पहुँच जाते हैं कश्मीर, तकरीबन 19 मिनट। और विस्तारा एयरलाइन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, बहुत शानदार, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छी कम्फर्टेबल फ़्लाइट। और यहाँ हम पहुँच गए हैं गाइस श्रीनगर, श्रीनगर ऑन द वे सोनमर्ग। काफ़ी साफ़ सुथरा, क्लीन देखने को मिलेगा, अच्छे व्यू मिलेंगे, साफ़ सुथरी नदियाँ मिलेंगी। यहाँ पर रुक कर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं ऑन द वे। आप ये देख सकते हैं वेदर बहुत साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छा है, क्लीन। ये छोटे छोटे गांव बीच में पड़ते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और हम ये फाइनली पहुँच गए सोनमर्ग। इवन हमने बैग भी नहीं रखा अपना और सीधा हम निकल गए घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, बिकॉज काफ़ी टाइम था और एक दिन था हमारे पास। अभी ऑफ सीजन है तो फ्लावर्स वगैरह कम देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में काफ़ी ऑफ सीजन होता है, तो आप ये देख सकते हैं कम फ्लावर हैं, लेकिन वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ का काफ़ी अच्छा वेदर है अभी फ़िलहाल, आप ये देख सकते हैं सनी वेदर है। और ये क्रिसमस ट्री हैं जो सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ होती है, इन पर हरे भरे और दिखते हैं। काफ़ी ठंडा है अभी भी, 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है गाइस। ये सडनली वेदर चेंज हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता है। रेस्ट में पूरी तैयारी के साथ निकले, यहाँ पर 10 डिग्री से सीधा 0 डिग्री होने में सिर्फ हाफ एन आवर लगा है गाइस। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए, ट्रैकिंग शूज़ के साथ आए, गरम कपड़ों के साथ आए। तो गाइस यहाँ पर हम बना रहे मैगी, कश्मीरी फ्रेंड्स। सर्दी में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है, बिकॉज वहाँ की मैगी में ऐसे स्पेशल कुछ नहीं होता, लेकिन वेदर ठंडा होने की वजह से टेस्टी काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छी मैगी होती है। ठंडा वेदर और शानदार। हम रात को हम अपने पहुँचते हैं होटल टू रेडिशन ब्लू, जो सोनमर्ग में ही पास में है। आप अपने आसपास घूम सकते हैं, यहाँ पर देखने को बहुत अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे, साफ़ सुथरी नदियाँ हैं। बट हमारा जो प्लान है थोड़ा फॉरेस्ट एरिया घूमने का था, और ये हम रात का व्यू एंजॉय कर रहे हैं गाइस। काफ़ी ठंडा वेदर था तो इसलिए सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए आया था। ये मॉर्निंग में मैं निकल चुका हूँ फॉरेस्ट एरिया। ये अखरोट के पेड़ हैं, काफ़ी बड़े होते हैं तो इसलिए अखरोट नहीं टूट सकते। और फॉरेस्ट एरिया वालों ने थोड़ा सा अंदर जाने के लिए हमें परमिशन नहीं दी गाइस, तो हम सिर्फ बाहर से घूम कर आ गए। ये आप देख सकते हैं घर पर जाने के लिए भी आपको ये ब्रिज बनाया उसने। गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है, ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं यहाँ से फॉरेस्ट एरिया में जाने वाले, बट जो परमिशन मिलेगी तभी ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप यहीं से रिटर्न। छोटे छोटे झरने सोनमर्ग के निकलते आप देख सकते हैं, यहीं से छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। यह है सिंध नदी सोनमर्ग, जो आप जो सोनमर्ग स्पॉट है जहाँ पर होटल्स वगैरह हैं, वहाँ से आप 10 मिनट के डिस्टेंस से आप जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके भी आप जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा और 20 मिनट की ऊपर ट्रैकिंग करी मैंने, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो कभी ना लाएँ यहाँ पर, बिकॉज बच्चे काफ़ी शरारत करके यहाँ पर पैर फिसल सकता है। टू बी केयरफुल गाइस, यहाँ पर ध्यान से आएँ, ट्रैकिंग शूज़ के साथ आएँ, पूरी तैयारी के साथ आएँ। और गर्म कपड़े लाना तो बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी गलती करी तो जल्दी से मिलते नहीं है कपड़े, और ठंडा वेदर होता है तो तबीयत ख़राब हो सकती है आपकी। ये छोटे छोटे झरने निकल कर एक बड़ी रिवर नीचे बनती है, जो सिंध रिवर है और सोनमर्ग से निकलती है, काफ़ी साफ़ सुथरी नदियों में से एक है। लेकिन अभी वो थोड़ी शांत है, कम पानी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, जैसे ही वो पिघलती है तो ये बहुत डेंजर भी होती है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, ये वेदर आपके लिए बहुत शानदार है। और हम यहाँ पर श्रीनगर रिटर्न टू दिल्ली गाइस, और देख सकते हैं ये श्रीनगर ओल्ड श्रीनगर है, तो शॉपिंग कर सकते हैं, शॉल खरीद सकते हैं, गर्म कपड़े खरीद सकते हैं, कश्मीरी जो सामान खरीद सकते हैं, और आप यहाँ कश्मीरी खाना इन्जॉय कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक टू दिल्ली। कैसा लगा आपको ब्लॉग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।